सूर्य नमस्कार करने के लिए टॉप ऑफ द मैट पर आकर खड़े होना है। ये है ताड़ासन। कीप योर चेस्ट आउट, रोल योर शोल्डर्स बैक। नाउ जॉइन योर हैंड्स एट योर चेस्ट सेंटर। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। नाउ इनहेल, रेज योर हैंड्स अप, आर्च योर बैक, लुक एट योर पाम्स। हस्तोत्तानासन, इसमें आपको अपने नीज इस तरह बेंड नहीं करने हैं, अपने नीज को सीधा रखना है। और अगर आप पीछे इतना बेंड नहीं कर सकते तो आप सिंपली अपने हाथों को ऊपर रखकर उनको देखिए, अदरवाइज जहाँ तक आप कंफर्टेबली बेंड कर सकते हैं वहाँ तक बेंड करिए। नाउ फ्रॉम हेयर एक्सहेल एंड स्लोली बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम योर लोअर बैक, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट। हिंज फ्रॉम योर हिप्स, प्लेस योर हैंड्स बिसाइड योर फीट। दिस इज पादहस्तासन। इसमें अगर आपके हाथ जमीन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो यू कैन बेंड योर नीज लाइक दिस, अदरवाइज कीप योर नीज स्ट्रेट और अपने चेस्ट को थाइस से टच कराइए। नाउ फ्रॉम हेयर इनहेल एंड टेक योर राइट लेग बैक, नी डाउन फुट फ्लैट। अश्व संचालन आसन। इस आसन में आपके हिप्स इस तरह पीछे नहीं रहने चाहिए, हिप्स को आपको आगे और नीचे की तरफ पुश करके रखना है और आपके आगे वाले पैर का नी और एंकल एक लाइन में रहना चाहिए 90 डिग्री पर। आपके नी आपके टोस को इस तरह से क्रॉस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट विल हार्म योर नी, सो कीप इट स्ट्रेट इन वन लाइन विद योर एंकल। नी टोस को क्रॉस नहीं करना चाहिए। नाउ फ्रॉम हेयर फर्स्ट टक योर टोस, लिफ्ट योर नी अप, एक्सहेल एंड टेक योर लेफ्ट लेग बैक टू अधोमुख स्वेनासन। पुश योर टेल बोन, पुश योर हिप्स बैक, चेस्ट को नी की तरफ पुश करिए, हील्स को टच करा के रखिए फ्लोर पर। अगर आपके हील्स टच नहीं हो रहे हैं तो आप इस तरह से नी पैडलिंग कर सकते हैं, इस कोशिश में आपके हील्स जमीन पर टच होने लगेंगे। नाउ फ्रॉम हेयर इनहेल एंड मूव योर बॉडी फॉरवर्ड, ब्रिंग योर शोल्डर्स जस्ट अबव योर पाम्स। फलक आसन। इस आसन में आपको अपनी पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में रखनी है, आपकी बॉडी में कर्व नहीं आना चाहिए, हिप्स इस तरह से नीचे नहीं जाना चाहिए और ना ही हिप्स इस तरह से ऊपर आना चाहिए। आपको अपनी पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में रखनी है, साथ ही आपको अपनी नीज भी इस तरह से बेंड नहीं करने हैं, नीज को भी एक स्ट्रेट लाइन में रखना है। तो ये है फलक आसन। नाउ फ्रॉम हेयर एक्सहेल, ड्रॉप योर नीज, योर चेस्ट एंड चिन डाउन टू अष्टांग आसन। इसमें आपको अपने एल्बोज रिब केज के बगल में रखने हैं, एल्बोज ऐसे बाहर नहीं आने चाहिए, कीप इट पैरेलल टू योर रिब केज और आपके हिप्स इस तरह से ऊपर रहने चाहिए, फ्लोर को टच नहीं करने चाहिए। नाउ फ्रॉम हेयर फर्स्ट पुट योर बॉडी फ्लैट ऑन फ्लोर, इनहेल रेज योर चेस्ट अप टू भुजंग आसन। कीप योर एल्बोज पैरेलल टू योर रिब केज, एल्बोज इस तरह से आपको बाहर नहीं करने हैं, उनको रिब केज के बगल में रखना है, साथ ही अपने एल्बोज को इस तरह से पूरा स्ट्रेट भी नहीं करना है, एल्बोज को इस तरह से बेंड करके रखना है और चेस्ट को नेवल पॉइंट तक उठाना है। नाउ एक्सहेल लिफ्ट योर बॉडी अप, लिफ्ट योर नीज अप, यहाँ पर पैर एक स्टेप आगे रख सकते हैं। पुश योर हिप्स बैक टू अधोमुख स्वेनासन, चेस्ट को नी की तरफ पुश करना है और अपनी हील्स को जमीन पर टच करा के रखना है। नाउ इनहेल गेट योर राइट लेग फॉरवर्ड, प्लेस इट बिटवीन योर पाम्स, लेफ्ट नी डाउन फुट फ्लैट। अश्व संचालन आसन। अगर आपका पैर पीछे से आगे एक बार में नहीं आ पा रहा है तो उसको आगे कैसे लाना है आपको बताते हैं। सपोज आप अधोमुख स्वेनासन में है, आपको पैर आगे लाना है बट आपका पैर आधे डिस्टेंस तक ही आ पा रहा है, तो उसको इस तरह हाथ से उठा के आगे लाकर दोनों हाथों के बीच में रखना है, पीछे का नी डाउन और फुट फ्लैट। अश्व संचालन आसन। नाउ टक योर टोज, लिफ्ट योर नी अप, एक्सहेल गेट योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड टू पादहस्तासन। नाउ इनहेल स्लोली रेज योर हैंड्स अप, आर्च योर बैक, लुक एट योर पाम्स। हस्तोत्तानासन। एक्सहेल नमस्ते। नाउ लेट्स डू इट फ्रॉम लेफ्ट साइड। Now join your hands at Namaskar Asan. Inhale, raise your hands up, arch your back, look at your palms. Hastottanasan.
Now exhale, slowly bend forward from your lower back, keeping your back straight. Place your hands beside your feet, Padahastasana. Now inhale, take your left leg back, knee down, foot flat to Ashwasanchalanasana. Now tuck your toes, lift your knee up. Exhale, take your right leg back to Adhomukhasvanasana. Now inhale, bring your body forward to Falakasana. From here, now exhale, drop your knees just in chin down to Ashtangasana. Now inhale, raise your chest up to Bhujangasana. Exhale, lift your body up, push your hips back to Adhomukhasvanasana. Now inhale, get your left leg forward, place it between your palms, Ashwasanchalanasana. Exhale, get your right leg forward to Padahastasana. Inhale, raise your hands up, arch your back, look at your palms, Hastottanasana. Exhale, Namaskar. तो अब आप सूर्य नमस्कार सही तरीके से सीख चुके हैं. सो नाउ लेट्स ट्राई इट इन वन गो. सो इनहेल, रेज योर हैंड्स अप, आर्च योर बैक, हस्तोत्तानासन. एक्सहेल, स्लोली बेंड फॉरवर्ड टू पादहस्तासन. इनहेल, टेक योर राइट लेग बैक टू अश्वसंचालनासन. नाउ टक योर टोज, लिफ्ट योर नी अप. एक्सहेल, टेक योर लेफ्ट लेग बैक, पुश योर हिप्स बैक टू अधोमुखस्वेनासन. Now inhale, bring your body forward to Falakasana. Exhale, drop your knees, chest and chin down to Ashtangasana. Now put your body flat on floor. Inhale, raise your chest up to Bhujangasana. Exhale, lift your body up, lift your knees up, push your hips back to Adhomukhasvanasana. Now inhale, get your right leg forward, place it between your palms, Ashwasanchalanasana. Exhale, get your left leg forward, come to Padahastasana. Inhale, slowly raise your hands up, arch your back, look at your palms, Hastottanasana. Exhale, Namaste. Now continue with left side. Inhale, raise your hands up, arch back, Hastottanasana. Exhale, bend forward to Padahastasana. Inhale, take your left leg back to Ashwasanchalanasana. Exhale, take your right leg back to Adhomukhasvanasana. Now inhale, bring your body forward to Falakasana. Don't forget to keep your body in one straight line. Now exhale, drop your knees, chest and chin down to Ashtangasana. Now inhale, raise your chest up to Bhujangasana. Now exhale, lift your body up, push your hips back to Adhomukhasvanasana. Now inhale, get your left leg forward, place it between your palms, Ashwasanchalanasana. Now exhale, get your right leg forward to Padahastasana. Now inhale, slowly raise your hands up, arch your back, Hastottanasana. Exhale, Namaste.